एएमएन न्यूज में हूँ आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। मेरठ जिले में आज भूपेश बघेल कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। अहम बात यह है कि कांग्रेस के टिकट पर हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रही बिकनी गर्ल अर्चना गौतम के लिए भूपेश बघेल कई जगह वोट मांगेंगे। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र और किठोर विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे, जिसमें कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों के लिए भूपेश बघेल जनता से वोट मांगेंगे। देखिए, अमर जवान ज्योति को बुझाया गया है और ये बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत की गई, और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत तो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी 3 तारीख को, अगर नहीं राहुल जी उसका शिलान्यास करें। क्यों बंद की गई, क्या मानते हैं, उसको जलना चाहिए था, क्यों बंद किया गया, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? उस पूरे देश देख रहा है, उसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है। सर, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस सरकार ने 6 दशकों में स्पेशल वॉर मेमोरियल नहीं दिया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वॉर मेमोरियल नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो बीजेपी ने बोला है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो 1970 में भारत ने युद्ध की और पाकिस्तान की दो टुकड़ी कर दी, जिन लॉर्ड नेत्री आयरन लेडी इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री तो नहीं करते, वो हमें सीख देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें, जो समाजवादी पार्टी। और सर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।